जनरल सीएनसी प्रोग्रामिंग वेव के अंदर। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मेजरमेंट्स यूनिट्स। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेजरमेंट्स यूनिट्स। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब और घंटे के बटन को भी दबा देना। तो बढ़ते हैं आगे मेजरमेंट्स यूनिट्स। देखो मेजरमेंट्स यूनिट्स क्या होती है, जैसे भाई कोई लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, करंट है, एरिया है, वॉल्यूम है, इन सबको, ये जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं, इन सबको मापन के लिए कोई ना कोई एक यूनिट फिक्स कर रखी है। ठीक है, तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में भी हमारा जो पार्ट्स होता है वो राउंड होता है, स्क्वायर होता है, फ्लैट, हेक्सागोनल, अलग अलग शेप होती है। तो उस समय किसी में लेंथ होती है, किसी में डाया होता है, ठीक है, किसी में विड्थ होती है, हाइट भी होती है। तो इन सबको इसके लिए क्या होता है कि आपको ड्राइंग में एक यूनिट दी होती है कि 10 mm का है या इंच में है, किसी में भी हो सकती है ड्राइंग। तो आप सबको सबसे पहले प्रोग्रामिंग तो आप तब करोगे ना जब आप उस ड्राइंग को ढंग से पढ़ पाओगे कि उसमें ये जो mm में दे रखी लेंथ, अगर मान लो इंच में दे रखी होगी तो मान लो प्रोग्रामिंग मुझे mm में करनी है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ बिल्कुल बेसिक से, जहाँ पर आपको मैं एक छोटी से छोटी चीज़ बता। ठीक है, तो अभी हम मेट्रिक यूनिट के कुछ यूनिट्स में आपको लिख देता हूँ जो चीज़ स्टैंडर्ड हो चुकी है। तो एक मीटर में 1000 mm होते हैं, यानी कि मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 1 मीटर के अंदर ही 100 cm होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 cm बराबर 10 mm मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो हमारी सीएनसी बीएमसी के आगे आने वाली जो वीडियो है उनमें मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। तो प्रोग्रामिंग में क्या है कि सीएनसी और बीएमसी जो हमारी चलती है वो एक एक माइक्रोन तक भी कटिंग करती है। ठीक है, तो आपको माइक्रोन का नॉलेज होना चाहिए कि अभी कुछ मैं डायमेंशन आप ड्राइंग में दे रखी है तो उसमें कितने माइक्रोन या कितने mm होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं उसमें होते हैं, आपको याद रखना, 1000 माइक्रोन। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1 mm में 1000 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा mm में, इसको मेरे को mm में कन्वर्ट करना है। तो इसको इससे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 0.001। ये क्या है, 1 माइक्रोन है। अगर मान लो मुझे 10 माइक्रोन लिखना है, ये 10 माइक्रोन, तो 10 माइक्रोन को हम लिखेंगे 0.010 mm, ऐसे लिख सकते हैं। और पीछे अगर मैं 0 नहीं भी लगाऊं तो भी ये 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन ही होता है। अब 100 माइक्रोन लिखना है तो ये 100 माइक्रोन, तो 100 माइक्रोन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.100 mm, ये mm में कन्वर्ट हो गया। अब मैं पीछे के 2 0 बोलूँ या ना बोलूँ, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 0.1 mm मतलब कितना हुआ, 1 माइक्रोन ही हुआ, 0.1 mm का मतलब हो गया 100 माइक्रोन। ठीक है, अब मान लो मुझे लिखना हो 270 माइक्रोन, तो 270 माइक्रोन को मैं कैसे लिखूँगा mm में, कन्वर्ट करोगे तो 0.270 mm, ये mm में कन्वर्ट हो गया। अब मैं 0 नहीं भी लगाऊँ तो 270 मतलब 0.27 mm इजिकल टू 270 माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये तो हमारा हुआ mm से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से mm मीटर। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं यानी कि मिलीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन हमारी जो सीएनसी है उस सीएनसी में माइक्रोन में काम होता है। ठीक है, और हमारी जो मशीन है वो उस कम से कम एक माइक्रोन रीड करती है। ठीक है, किसी किसी केस में वो माइक्रोन को हज़ारों हिस्से में भी काम करती है, लेकिन मोस्टली जो
हमारे कटिंग पैरामीटर है, जैसे लेंथ है, डाया है, तो इसमें हम एक एक माइक्रोन वैल्यू भी हम मशीन में डाल सकते हैं या उसको ट्रेवल करा सकते हैं, एक माइक्रोन भी। ठीक है, तो माइक्रोन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, और 1000 माइक्रोन होते हैं तब उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लो मुझे लिखना हो कि 100 माइक्रोन को कैसे लिखेंगे mm में, 10 माइक्रोन को कैसे लिखेंगे, तो वो मैंने तुम आपको बता दिया। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 1000 माइक्रोन होता है, इसलिए 3 पॉइंट के बाद हमारा 0 लग जाएगा। ओके, 10 माइक्रोन लिखना है तो 0.01 mm हो गया, और 100 माइक्रोन लिखना है तो 0.100 mm या 0.1 mm, ये इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं इंच, फुट और सूत के अंदर। ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले इंच, 1 इंच नहीं, उससे बड़ी चीज़ होती है 1 फुट। 1 फिट में हमारे 12 इंच होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, अब आते हैं 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, ये भी आपको याद रखना, बहुत काम आने वाला आगे चीज आगे चल के। ठीक है, मेरी वीडियो को जो भी बिगनर्स देख रहा है, जिसको सीएनसी पीएमसी लाइन के अंदर अपना कैरियर बनाना है, या फिर ऐसा कोई है जो इंडस्ट्री में अभी करंट में ऑपरेटिंग कर रहा है या सेटिंग कर रहा है और उसको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से प्रोग्रामिंग सिखाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ओके, ये क्लियर समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं बात करूँ 1 फिट में कितने एमएम होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो 1 फिट, आपको मैंने पहले बताया था कि 1 फिट में 12 इंच होते हैं, अब 1 इंच में 25.4 है तो 12 इंच, 12 से गुणा कर देंगे हम, क्योंकि 1 फिट में हमारे कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो 25.4 × 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 304.8 mm। ये क्या है, 1 फिट के अंदर mm होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, इसके अलावा 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो इस तरह से ये हमारी एक बेसिक मेजरमेंट की एक वीडियो है ये, तो इसको आपको एक बार अच्छे से समझ लेना, अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब तक आप मेजरमेंट समझोगे नहीं, वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।